माताओं बहनों सबको मेरे ओर से जोहार। मैं कम शब्दों में आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखूंगा और मैं दुमका से आया हूं, जहां दुमका ब्लॉक एक छोटी सी जगह कैराबनी पंचायत से। और हम लोग जान रहे हैं कि ये वर्तमान परिस्थिति के कारण हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच में से भी ये जो बातें हो रही है 1932 को खतियान लेके, कई सारे लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम भी शायद यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको छोटी शब्दों में ये 1932 का जो हकीकत है आपको मैं समझाने चाहूंगा। ये झारखंड जो है, आप मान के चलिए आपका एक घर है। ये झारखंड जो है, आप सोचिए आपका एक घर है। और एक घर अगर रहता है तो उस घर को सुरक्षित रखने के लिए उनकी एक दरवाजा भी आवश्यकता है। तो ये जो 32 का खतियान है, ये एक दरवाजा की काम करता है। और एक घर में अगर एक दरवाजा ना रहे तो आप सोचिए कि वो दरवाजा में अगर ना रहे तो हो सके आपके परिवार में, आपके घर में आप जो कुछ भी रखे हैं, वो धन हो, संपत्ति हो, सोना हो या कुछ भी हो, वो कोई भी उठा के आपका ले जा सकता है। अगर वही घर में अगर एक दरवाजा को लगा दिया जाए और वो दरवाजा अगर बंद रहे, तो आप ये निश्चित हो जाते हैं कि मेरा घर में जितना भी चीज हो वो सुरक्षित है। तो 1932 का खतियान यही एक है कि झारखंड का एक दरवाजा है, झारखंड का एक दरवाजा है। और हमारे झारखंड के अंदर में जितना भी चीजें हैं, आपका नौकरी हो, आपका रोजी हो, जो घर में जैसे हम रखते हैं, वो सारी चीजें अगर हम 1932 जो खतियान है उसको लागू करवाते हैं, तो हमारे झारखंड जिस प्रकार एक घर एक दरवाजा की आवश्यकता है, वैसे ही झारखंड एक दरवाजा बनेगा। आज आप इस दरवाजा को हम लगाते हैं तो जिस प्रकार आप निश्चित हो जाते हैं कि मेरा दरवाजा है, तो मेरा जितना भी घर का सामान है वो कोई उठा के नहीं ले जा सकता है, वैसे अगर 1932 का खतियान अगर लागू हो जाए तो झारखंड से कोई आपका चीज उठा के ले जा नहीं सकता। तो यही चीजें हमें समझने की आवश्यकता है कि 1932 हमारे झारखंड के लिए एक दरवाजा है। और नहीं तो जिस प्रकार से कोई भी आपका घर से उठा के ले जाए, वैसे कोई बाहर से आते हैं और सारा यहाँ पे जितने भी चीजें, आपका नौकरी हो और आपका जो भी चीजें हो, वो सारे आपका सुविधा जो भी हो, वो सारे चीजें चोरी करके ले जा रहा है। और इन लोगों ने इस झारखंड को वैसे ही बिना दरवाजा का रख दिया। और इसीलिए कोई भी यहाँ पे आते हैं वो आके वैसे ही लेके चले जाते हैं, क्योंकि ये झारखंड ही लोगों ने बिना दरवाजा का रख दिया। और अगर बिना दरवाजा का रहेगा तो कोई भी घुसेगा, और कोई भी अगर घुस जाएगा तो कोई भी चीज आपका उठा के ले जाएगा। तो यही स्थिति हमारे झारखंड में, यही स्थिति हमारे झारखंड में, कोई दरवाजा नहीं। तो मैं आपको ये समझने की जरूरत है कि 1932 जो है, यही आपके झारखंड के लिए एक दरवाजा है। लोग इन चीजों को देखते हुए डर जाते हैं, और इन लोगों ने इस झारखंड को एक ससुराल बना के रख दिया, एक ससुराल बना के रख दिया। जैसे दामाद कभी भी वो ससुराल में आके मेहमान करके चले जाते हैं, तो वैसे हमारे झारखंड में भी कोई भी आके सारा चीज लेके चले जाते हैं। और इसीलिए कहता है, खून देंगे लेकिन बाहरी को नौकरी नहीं देंगे, खून देंगे लेकिन बाहरी को नौकरी नहीं देंगे, और 1932 का खतियान लागू करके रहेंगे। तो हमारे प्यारे
साथियों, तो हमें ये चीजें जानने की आवश्यकता है और कम समय है, और इसीलिए आप जान लीजिए कि ये जो 1932 है ये हमारे झारखंड के लिए एक दरवाजा है, और इसीलिए आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें ताकि हम अपना जो झारखंड है उसको हम दरवाजा बना के बंद करें, ताकि कोई भी बाहर से आके हमारे जो जितना धन हो, संपत्ति हो, इन सारी चीजों को वो उठा के ना ले जा सके। तो इन सारे छोटी शब्दों को लेकर के अपना बोली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर। धन्यवाद सुखेंद्र जी।